हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आए अच्छे होंगे। मेरा नाम है आरबी अदरम भाई, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0। आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का वीडियो बनाना, आपको पोस्टर बनाना सिखाएंगे। अगर आप लोग खुद से ही चाहते हो कि आपको अपना फ़ोटो पे अपना इस फोटो लगाना और नाम लिखना और कुछ इस तरह से आपको पोस्टर खुद से डिजाइनिंग करना, तो आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है और इसमें समझ लेना है आपको क्या क्या ज़रूरत है और कौन सा चीज़ कैसे लगाना है। तो आपको इसमें PLE फाइल, PNG फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सल एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। तो चलिए हम पिक्सल एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर पिक्सल एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर न्यू टेस्ट आएगा, तो न्यू टेस्ट को आपको डिलीट कर देना है और जो फाइल आपको दिया गया है फाइल को पूरा वीडियो देखकर पासवर्ड जान के फाइल को अनजिप करके छोड़ देना है। और उसको अनजिप करने के बाद आपको पिक्सल एप्लीकेशन ओपन करके कुछ इस तरह इस वाले ऑप्शन पर चले आना है। उसके बाद आपको 3 icon पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यूज़ फॉर इमेज गैलरी पर आएंगे और उसमें जाने के बाद आपको इंटरनल में लेकर जाएगा। इंटरनल में ले जाने के बाद आपको एक फाइल जो मिला है डाउनलोड करके अनजिप की, उस फाइल का नाम है दीपावली पोस्टर 12 यानी 12 है। इसको आपको ऑन करेंगे, अंदर सारे PLE फाइल, PNG फाइल, नेम प्लेट सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो आपको पहले आपको सोर्स बनाने के लिए आपको बैकग्राउंड का ज़रूरत है, तो आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप PNG लेने के लिए प्लस पे सेलेक्ट करेंगे, फिर गैलरी पे आएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको इंटरनल में आना है। इंटरनल में जाने के बाद फिर से उसी फाइल पे आपको आ जाना है, यानी 12 वाले में। तो 12 में आएंगे कुछ इस तरह का भी आपको PNG देखने को मिलेगा। इस PNG को भी आप सेलेक्ट कर लेना, सारे PNG उसको बीच में टैप करके आपको यहाँ पर रिलेटिव साइज का ऑप्शन देगा, 100 कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपको करना फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फिर गैलरी पर आना है। उसके बाद फिर से उसी वाली फाइल में आपको आ जाना है और यहाँ पर उस फाइल में जाने के बाद आपको 12 में आ जाना है। इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और ऑप्शन देगा डीप वाला, इस PNG को सेलेक्ट करना है और इस वाले साइज को आप क्रिएट करके इसको 100 करके ओके कर लेना है। ओके करेंगे अब यहाँ पर पोस्टर आपको कुछ इस तरह से सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फिर गैलरी पे आना है। उसके बाद इंटरनल में आना है। इंटरनल में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा फिर उसी वाली फाइल में, तो यहाँ पर 12 में जानेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह के आपको दीपावली, धनतेरस एवं भाई दूजा का इस तरह से PNG देखने को मिलेगा, इसका आप रेलवे साइज 100 कर देना है। इस तरह से आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फिर गैलरी पर आना है, इंटरनल में जाना है। उसके बाद आपको फिर से उसी वाली फाइल पर आपको आ जाना है। उसी फाइल पर आपको आएंगे तो यहाँ पर आपको बैक करना है, सॉरी उस फाइल पे आना है, ठीक है। 12 पे हमने 7 भी चला गया था, 12 में आएंगे। उसके बाद इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा, एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना वाला PNG और इसका भी रेलवे साइज 100 करेंगे तो इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर अपना फोटो लेना है। फोटो लेने के लिए प्लस पे सेलेक्ट करेंगे, फोर गैलरी पे आएंगे। अब जिस बंदे के आपको पोस्टर फोटो लगाना चाहते हैं उस बंदे का यहाँ से आप कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेना जो आपने रखे होंगे दूसरे का फोटो लगाने के लिए। जैसे हम यहाँ पर दिनेश लाल यादव का ही फोटो लगा लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टू बैक पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करने, फोर गैलरी पे आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर टैप करेंगे, कुछ PNG और भी दिए गए हैं जो उस PNG को आपको सेलेक्ट करने होंगे, तो यहाँ पर उसमें गया। उसके बाद आपको मुखिया पद PNG आपको देखने को मिल जाएगा। जो अगर मुखिया पद लिखना चाहते हैं और कुछ लिखना चाहते हैं आपको इसमें सारे लिखा हुआ मिल जाएगा। आप चाहो तो मुखिया पद हटा के जिला पंचायत, मुखिया, ग्राम प्रधान जो भी लिखना चाहते हैं आप उसे कटआउट करके आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनका कर्तव्य जो आपको जुझारू हो, ईमानदार हो, प्रत्याशी हो, उस तरह से आपको PNG भी देखने को मिल रहा है, उस PNG को भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर टाइप किया, उसके बाद आपको क्या करना, उस PNG वाले फाइल पर आपको जाना है। 12 वाले पे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है आपको कुछ इस तरह से। आपको उसको भी आपको यहाँ पर रेलवे साइज 100 करके यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। संघर्षशील, कमठ, जुझारू, शिक्षित उम्मीदवार एवं भावी प्रत्याशी, ठीक है, युवा भावी प्रत्याशी, यहाँ पर इतना लिख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ लिखेंगे, जिस ग्राम सभा से चुनाव लड़ रहे हैं उस ग्राम सभा का नाम रेड वाले पट्टी पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो जगह छूट रहे हैं यहाँ पर इनका नाम लिखते हैं, इनका नाम दिनेश लाल यादव हमको लिखना है, तो यहाँ पर हम दिनेश लाल यादव लिख देते हैं। यहाँ पर सब कटआउट करते हैं और इसके बाद इनका नाम लिख लेते हैं, तो सब दिनेश लाल यादव, मैंने यहाँ पर दिनेश लाल यादव लिख लिया। उसका इसका साइज बड़ा कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखा कलर का, कलर में जो भी कलर आप डालना चाहते हैं, ग्रेनेट डाल लेना है और सादा डालना चाहते सादा। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रंट पर जाना है, फ्रंट पर क्लिक करके फॉन्ट जो भी अच्छा लगे आपको उस फ्रंट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इस तरह से कर लेना है। उसके बाद इसमें आपको वाइट साइज स्ट्रोक दे देना है। वाइट साइज स्ट्रोक देने से आपका नेम प्लेट जो नाम होता है आपको ऊपर हो जाता है।
इस तरह से आपका लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम प्लेट नाम लिख लिए, उसके बाद आपको जहाँ से चुनाव लड़ने तैसे ग्राम सभा जो भी हो हम तैसे लिख देते हैं। यहाँ पर न्यू टेस्ट पर क्लिक करते हैं, न्यू टेस्ट लेते हैं। अब यहाँ पर लिख देना ग्राम सभा महदेया, ग्राम सभा सहजनवा, ग्राम सभा भीटी रावत, जो भी जिस ग्राम सभा से हैं उस ग्राम सभा का नाम। जैसे यहाँ पर हम ग्राम सभा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ग्राम पंचायत सहजनवा यहाँ पर मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पर लिखाना है, अपने हिसाब से बड़ा कर लेना है। थोड़ा सा और आगे जाके यहाँ पर फंड सेलेक्ट करके जो भी फंड आपको अच्छा लगे उस फंड को यहाँ से सेलेक्ट करके लिख लेना है। जैसे मैं इस तरह से फंड कल लिख लेता हूँ। उसके बाद इसको सब कुछ डिजाइन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे इमेज जाएंगे, यहाँ पर क्वालिटी पूछेगा तो अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी पे सेव कर देना। अगर आपको हमारा पीएनजी फाइल आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, आने वाला हर रिलेटेड वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, जय हिंद जय भारत।